बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौम खड़ी हो जाए। लंदन में मौजूद मुजरिम नवाज शरीफ, पाकिस्तान से भागा हुआ भगोड़ा मुजरिम नवाज शरीफ कौम से ये कह रहा है कि कौम खड़ी हो जाए। वो शख्स जिसके अपने दो बेटे लंदन में मौजूद हैं और कहते हैं कि हम बरतानवी शहरी हैं, पाकिस्तानी कानून का इतलाक हमारे पे होता ही नहीं है। वो शख्स जो कि अपनी बेटी के पीछे छुपा हुआ है, बेटी को आगे किया हुआ है, जो कहती थी भी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और अब जब कागजात नामजदगी जमा कराए हैं तो सिर्फ 1400 कैनाल अराजी रायवंड में निकल आई है, वो शख्स कौम को कह रहा है कि आप खड़े हो जाए। वो शख्स जो कि रॉल्स रॉयस में, वो मुजरिम जो कि रॉल्स रॉयस में लंदन में घूमता है, गुची से नीचे कपड़े पहनता नहीं है, वो आवाम को कह रहा है आप खड़े हो जाए। आवाम खड़े में है आटे की लाइनों में, आवाम खड़े में है राशन लेने के लिए और मर रहे हैं। पता नहीं कितने लोग इस रमजान में अपनी जान से गए हैं तुम्हारे मुफ्त आटे और इस राशन के चक्कर में। और मेरा सवाल है पैमरा से कि साबिक वजीर आजम इमरान खान जो कि पाकिस्तान में मौजूद, उसका जलसा भी हो, रैली भी हो, तो पैमरा कहता है जी इसको नशर नहीं करना टीवी पे, तो एक भगोड़ा मुजरिम, सजा याफ्ता मुजरिम लंदन से बैठ के वहाँ से हमारे इदारों के खिलाफ, हमारी अफवाज के खिलाफ स्पीचेस करे, तुम लोग उसकी टेलीकास्ट को रोकते नहीं है, तो सबको नजर आ रहे किसके कहने पर तुम लोग चलते हो। तुम लोग की औकात एक पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए उन तमाम फैसिलिटेटर्स को भी जो कि इस टोले को इस मुल्क के ऊपर जिसने मुसल्लत किया और मुल्क का बेड़ा गरक कर दिया। अच्छा भला चलता मुल्क जिसका बेड़ा गरक कर दिया। Don't forget to subscribe to You News. Like the video and share it. Do express your opinion in the comment box.